गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कोठी झलक। टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर मैथ सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड फिफ्थ। योर चैप्टर फोर्थ इज पार्ट्स एंड वॉल्स। तो एक्सरसाइज में लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 61 की 33 नंबर के क्वेश्चन तक देखा था। आज देखेंगे 34 नंबर का क्वेश्चन। क्या है कि डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर, लुक एट द स्मॉल ट्राइंगल, व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट। एंड क्या है कि हाउ विल यू फाइंड दिस आउट, कैसे फाइंड करोगे। टू डिवाइड द बिग ट्राइंगल्स एंड अदर शेप्स इन टू स्मॉल ट्राइंगल्स, हाउ मैनी स्मॉल ट्राइंगल्स आर देयर टूगेदर। तो डिवाइड द बिग ट्राइंगल्स एंड अदर शेप्स इन टू स्मॉल ट्राइंगल्स, हाउ मैनी स्मॉल ट्राइंगल्स आर देयर ऑल टूगेदर। तो क्या है कि ऐसे हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो यस, आई कैन रिकॉल दिस पिक्चर, आई कलर्ड स्मॉल ट्राइंगल इज 1/6 पार्ट ऑफ द स्क्वायर। तो ऐसे हम आपको करके दिया है, तो ऐसे क्या करना है, ड्रॉ करना है कि टू गेट दिस वी शुड फॉलो दिस स्टेप्स, डिवाइड द स्क्वायर इन टू स्मॉल ट्राइंगल्स। जो स्क्वायर है उसको किसमें, सपोज कि ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर को कैसे करना है कि स्मॉल ट्राइंगल्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। ये ट्राइंगल बने छोटे छोटे, तो स्मॉल ट्राइंगल में क्या करना है, डिवाइड करना है। एज शोन इन दिस फिगर द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल, कितने, चलो वन स्क्वायर में कितने हुए, 1, 2, 3 एंड 4। तो टोटल ऐसे कितने स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, तो 4 का कितना हो गए, 16 हो गए। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स इज कितने हो गए, 16 हो गए। तो क्या बोलेंगे हम कि द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स इज 16। पेज नंबर 62 पर 35 नंबर का क्वेश्चन है कि द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ ब्लैंक इक्वल पार्ट्स। तो वन पार्ट इज कलर ब्लू, तो वन पार्ट कलर ब्लू है, तो कितने टोटल इक्वल पार्ट सर्कल के हो गए, 2। तो इधर हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ ब्लैंक इक्वल पार्ट्स ऑफ द टू कलर पार्ट्स आर कलर ब्लू। तो चलो कलर कितने हैं, 2 में ब्लू हो गए, तो 2 कलर ऐसे ब्लू हो गए। तो टोटल कितने है सर्कल में पार्ट्स, 4 है, तो 4 पार्ट्स में से 2 कलर कैसे है, 2 पार्ट्स ऑफ द कलर इज ब्लू। 37 पेज नंबर है कि हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स 3 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू एंड 3 पार्ट्स आर कलर रेड। तो चलो टोटल कितने हैं, 6 है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 में से 3 कैसे है, ब्लू है, एंड 3 कलर कैसे है, रेड है, ठीक है। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स 4 इज ब्लू एंड 4 इज रेड। चलो टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से 4 कैसे है ब्लू एंड 4 इज रेड। तो चलो 4 में हमने कैसे है ब्लू दिखाए हैं एंड 4 में रेड, सो वी कैन से दैट, ऐसे आपको बुक में दिया है तो ऐसे हम लिख सकते हैं, 1 divides 2। चलो फर्स्ट में 2 था, उसमें से 1 कलर वाला था, 4 था, इसमें से 2 हमने ब्लू किए, इसमें से 6 थे, 3 डिवाइड पार्ट्स किए, इसमें 8 थे, तो 4 इक्वल पार्ट्स किए, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। पेज नंबर 63 पर है कि इच विल गेट ब्लैंक पार्ट ऑफ अ हलवा, कितना आएगा, 1 divides 2। ये आपको साइड में बुक रख के ही ये सारे क्वेश्चन लिखना है, तो ही आपको समझ में आएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि दिस पीस इज टू बिग, वी कांट ईट इट, दे सेड, सो ही डिवाइडेड द पीसेस इनटू हाफ। अगेन नाउ हाउ मेनी पीसेस विल अमू गेट, तो कितने आएंगे, 2 पीसेस, ये सारे हमने चैप्टर में समझाया है। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज ई, तो कौन से पार्ट है, 2 divides 4 और 1 divides 2। चलो 2 divides 4 को हम 1 divides 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 4, तो 1 divides 2, तो ऐसे 2 divides 4 लिखते हैं तो भी सही है, एंड 1 divides 2 लिखते हैं तो भी सही है। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पीसीस विल ईच गेट, तो नाउ दे विल गेट 4 पीसीस, कितने, 4। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस नाउ, तो क्या आएगा, 1 divides 8 part। आपको पेज नंबर 64 पर क्या दिया है, पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप, तो उसमें क्या है,
44 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मैनी 1/4 विल मेक अ हाफ. तो 2/1 मिल 2/1 करते हैं मेड विल मेक अ हाफ. तो 2/1 करते हैं तो 2/1 ऐसे 2 × 1/4 लिखते हैं तो क्या होता है 2 × 1/4 यानी कि 2/4 इज इक्वल टू हाफ, 1/2 तो हाफ हो गया. तो 2/1 विल मेक अ हाफ. 45 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मैनी 1/8 विल मेक 1/4. तो 2/1 विल मेक 1/4. 2/1 करते हैं तो क्या बनता है 1/4. पैटर्न्स में दिया है कि व्हाट पार्ट इज कलर ब्लू. तो 1/8 पार्ट इज कलर ब्लू. 47 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट पार्ट इज ग्रीन. चलो ऐसे इक्वल पार्ट्स करते हैं स्क्वायर के तो 16 पार्ट्स भी हो सकते हैं. तो 1/16 पार्ट इज ग्रीन. पेज नंबर 65 पर है कि फ्रॉम अ पार्ट टू द वॉल. तो चलो ऐसे 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि दिस शोज 1/5 पेटल्स ऑफ अ फ्लावर. कंप्लीट द फ्लावर बाय ड्रॉइंग द अदर पेटल्स. तो इसमें क्या है कि आपको 1/5 पेटल्स तो दी है, 1 आपको ड्रॉ करके दिया है तो टोटल कितनी करनी पड़ेगी, 1 तो दिया है तो 4 करनी पड़ेगी ऐसे. तो हियर वी हैव 1/5 पार्ट ऑफ पेटल्स. सो अ कंप्लीट फ्लावर विल हैव 5 सच पेटल्स. तो चलो कंप्लीट करते हैं तो 5 पेटल्स बनती है ऐसे 1, 2, 3, 4 और 5. तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. एंड 1/5 क्योंकि 1 आपको ऐसे ड्रॉ करके दिया है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, 4 कंप्लीट. 1 ऐसे ड्रॉ करके दिया था तो 4 क्या करनी पड़ेगी, कंप्लीट. तो ये क्या हो गया, 1/5 पार्ट हो गया. 49 नंबर क्वेश्चन पर है कि द पिक्चर शोज 1/3 ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन. ये क्या है, फैन की ब्लेड्स आपको दी है. कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर ब्लेड्स. 1 ब्लेड्स दी है, फैन में कितनी ब्लेड्स होती है, 3 ब्लेड्स टोटल होती है. तो अदर ब्लेड्स आपको क्या करनी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी. इधर 1/3 तो 1/3 इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3. तो 3 आपको टोटल ड्रॉ करनी पड़ेगी, 1 तो ऑलरेडी आपको दिया ही है. तो क्या है कि द कंप्लीट पिक्चर विल लुक लाइक द गिवन पिक्चर. ऐसे ड्रॉ 3 प्लेट करते हैं तो ऐसे हो जाएगी, 3 प्लेट हम ड्रॉ करेंगे. ये मैंने बुक में भी दिखाया था. 50 नंबर का क्वेश्चन है कि हाफ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अनदर फैन आर शोन हियर. हाफ ब्लेड्स दी है, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग अदर हाफ. हाफ ड्रॉ करके दिया है तो अदर ऐसा आपको हाफ ड्रॉ करना पड़ेगा. हाउ मैनी ब्लेड्स हैव यू ड्रॉन. तो चलो कोई भी सपोज कि 1 फैन का आपको 2 ब्लेड्स ड्रॉ करके दिए है, ऐसी आपको क्या कंप्लीट करना है कि ऐसी पिक्चर ड्रॉइंग द अदर हाफ. अदर हाफ दिया है और फिर से अदर हाफ करना पड़ेगा. तो द कंप्लीट पिक्चर विल लुक लाइक द गिवन पिक्चर. ऐसे हम कंप्लीट करते हैं तो आई हैव ड्रॉन 2 मोर ब्लेड्स. कि अगर 2 तो ऑलरेडी दिया ही है आपको एंड अदर हाफ ऐसे आपको कंप्लीट करना है तो ड्रॉन कितनी अदर ब्लेड्स करनी पड़ेगी, तो 2 मोर ब्लेड्स. तो 2 मोर ब्लेड्स करोगे तो ऐसी 2 दिया है और 2 ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी तो टोटल कितनी हुई, 4 हुई. रुपीज एंड पैसे में 51 पेज नंबर पर क्या है कि हाउ मैनी 50 पैसे विल मेक 1 रुपी. 50 पैसे कितने करते हैं तो 1 रुपी बनता है. तो 250 पैसे कॉइन्स विल मेक 1 रुपी. 52 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मैनी 25 पैसे विल मेक 1 रुपी. तो 425 पैसे, ये सारे हमने बुक में भी देखा था कि 425 पैसे करेंगे तो क्या होगा, विल मेक 1 रुपी. 53 नंबर का क्वेश्चन है कि 25 पैसे कितने करेंगे. तो 25 पैसे के कितने पार्ट लोगे तो 1 रुपी होगा. तो 1/4 पार्ट. 54 नंबर का क्वेश्चन है कि 20 पैसे के कितने पार्ट लोगे तो 1 रुपी होगा. तो 20 रुपीज के 1/4 पार्ट लेंगे, 1/5 सॉरी. 20 पैसे के कितने लेने पड़ेंगे, 5. तो 20 पैसे इज 1/5 पार्ट ऑफ अ 1 रुपी. तो क्या आएगा आंसर, 1/5. 55 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मैनी 10 पैसे विल मेक 1
रूपी। तो 10 10 पैसे करेंगे, 10 10 पैसे की कॉइन लेंगे तो विल मेक 1 रूपी। सो 10 पैसे इज 1 डिवाइड्स, कितने पार्ट हो गए, 1 डिवाइड्स 10 पार्ट ऑफ 1 रूपी। एंड ओल्ड वुमेन्स विल, हाउ डिड दिस हैपन, डिस्कस करना है कि बाय एडिंग द आंट टू कैमल द नंबर ऑफ कैमल बिकेम 20। तो क्या आएगा, फर्स्ट डॉटर शेयर 1 divides 2 पार्ट, तो 1 divides 2 ऑफ 20, तो 1 divides 2 क्रॉस 20, तो 20 divides 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10। सेकंड डॉटर शेयर 1 divides 4 पार्ट, तो 1 divides 4 ऑफ 20, तो 1 divides 4 क्रॉस क्या करना पड़ेगा, 20, तो 20 divides 4, तो 20 divides 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5। एंड थर्ड डॉटर शेयर 1 divides 5, तो 1 divides 5 ऑफ 20, क्योंकि टोटल कितने थे 20, तो 1 divides 5 क्रॉस 20, तो 20 divides 5 इज इक्वल टू 4। तो फाइनली क्या मिला, 10 + 5 + 4, तो 10 + 5 + 4 इज इक्वल टू 19, विच इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर ऑफ कैमल्स, वो ओरिजिनल कैमल्स के जो नंबर थे उसके इक्वल हो गए, ठीक है। Although this calculation is not correct mathematically, ये जो calculation थी वो mathematically correct नहीं है, but nevertheless it solved the problem of three sisters. 57 पर 57 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मैनी हावर्स डज अरुण टेक फॉर स्लीपिंग के लिए कितना टाइम लगाता है, स्टडिंग के लिए कितना लगाता है, प्लेइंग के लिए कितना लगाता है। चलो वन डे में टोटल कितने हावर्स होते हैं, 24 hours। द हाउ विल I find out third of a day. तो what part of a day does he use for other activities? तो अरुण time table is shown here. इधर sleeping का time भी बताया है, playing का, studying का and other activities का. तो अरुण sleeps for 10 p.m. to 6 a.m. and hence he sleeps for 8 hours in a day. ये हमने book में draw करके बताया था. अरुण प्लेस फ्रॉम 7 to 8 AM विच इज 1 hour ड्यूरेशन एंड अगेन फ्रॉम 4 to 6 PM विच इज अ 2 hour ड्यूरेशन, हैंस अरुण प्लेस फॉर 3 hours इन अ डे, अरुण स्टडीज फॉर 1 divides 4 पार्ट ऑफ द डे एंड हैंस स्टडीज फॉर 1 divides 4 ऑफ 20 hours विच इज इक्वल टू द 6 hour। तो टोटल कितना मिला, 8 hour किसके लिए यूज किए, 6 किसके लिए एंड अदर एक्टिविटीज में कितने किए वो, तो टोटल 17 hours हुए। तो टाइम स्पेंड इन अदर एक्टिविटीज, तो उसने ये स्लीपिंग स्टडिंग एंड किसके लिए यूज किया था, तो अदर एक्टिविटीज का आपको फाउंड करना है। तो क्या करेंगे, तो ये तीनों एक्टिविटी का पहले लिख देंगे, तो 8 place के लिए 3 hours किए थे, स्लीपिंग के लिए 8, स्टडिंग के लिए 6, ऐसे तो 17 hours हुआ था। एंड टाइम स्पेंड इन अदर एक्टिविटीज, तो टोटल कितने हावर्स थे, 24, उसमें से 17 hours तो दूसरी एक्टिविटी में, तो अदर एक्टिविटीज में 24 divides 17, तो क्या होगा, 7 hours। पेज नंबर 68 पर है कि अ स्कूल हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन एवरी क्वार्टर ऑफ अ ईयर, हाउ मैनी मैगजीन्स विल दे हैव इन अ ईयर इफ दे वॉन्ट टू प्रिंट it at the end of each quarter of a year, which are the months for printing, mark the number for those months. तो आपको ऐसे करके दिया है कि दे विल हैव 4 magazine ये इन अ ईयर, कितने थी 4, द मैगजीन विल बी प्रिंटेड इन द मंथ्स ऑफ द मार्च जून, कौन से मार्च जून सितंबर एंड दिसंबर, तो हम ऐसे मार्च जून सितंबर एंड दिसंबर को ऐसे मार्क करेंगे। तो स्लीपिंग ब्यूटी में क्या है, 59 नंबर का क्वेश्चन कि हैव यू हर्ड ऑफ कुंभकर्णा द ब्रदर ऑफ रवाना, ही इज फेमस फॉर स्लीपिंग फॉर हाफ अ ईयर। तो मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 hours अ डे, मोस्टली पीपल डे में कितने सोते हैं, तो 8 hours, देन व्हाट पार्ट ऑफ अ डे इज इट, सो व्हाट पार्ट ऑफ अ ईयर डू दे स्लीप, अ पर्सन 16 years old मस्ट हैव स्लेप्ट ईयर्स। तो क्या है कि यस आई हैव हर्ड ऑफ कुंभकर्णा द ब्रदर ऑफ रवाना,
इट इज 8/24। 24 hours में 8 hours क्या करता है, स्लीप करता है। तो इट इज 8/24, तो 8/24 तो 1/3, 1/3 पार्ट ऑफ अ डे। तो पीपल स्लीप फॉर 1/3 पार्ट ऑफ अ ईयर। अ पर्सन 60 years old, में सेकंड क्वेश्चन ये था कि अ पर्सन 60 years old मस्ट हैव स्लेप्ट फॉर 1/3 ऑफ 16। तो 1/3 क्रॉस 16, तो 60/3, तो 60/3 हमें क्या मिला, 16/3 करेंगे तो 20 years। चलो पेज नंबर 69 पर कितनी शॉपिंग लिस्ट है, उसमें है कि लुक एट द येलो प्राइस लिस्ट। येलो प्राइस लिस्ट में देखना है, 16 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मच डस 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। तो चलो 1 kg टोमेटोज की कॉस्ट कितनी थी, 12, हैंस 2 kg टोमेटोज कॉस्ट। तो 2 क्रॉस क्या करना पड़ेगा, 12, तो 2 क्रॉस 12 इज इक्वल टू क्या आएगा, 24 rupees। ये सारे क्वेश्चन हमने बुक में देखे थे, बट देख लो एक बार। 61 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच डस 2.5 kg ऑफ टोमेटो। चलो 1.5 kg ऑफ टोमेटो, चलो 2 kg टोमेटो की प्राइस कितनी मिली थी, 24, एंड हाफ करोगे तो 12/2, तो 12/2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6, तो 24+6, तो 24+6 इज इक्वल टू क्या आएगा, 30 rupees। 62 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मच डज 1/2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। हाफ के जी टोमेटो कॉस्ट कितनी है, तो 1/2 kg टोमेटो की करेगी तो 12/2, तो 12/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 rupees। 63 नंबर का है कि हाउ मच डज 3.5 kg ऑफ पोटेटो कॉस्ट। तो 1 kg पोटेटो की कॉस्ट कितनी है, 10, तो हाँ 3.5 kg ऑफ पोटेटो कॉस्ट। तो क्या है कि 3×10, तो क्या आएगा, 30 and 10/2 इज इक्वल टू 5, तो 30+5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 35 rupees। What is the price of 1 × 1/4 kg of carrot? तो hence 1 × 1/4 kg of carrot। तो चलो 1 kg की कितनी है, 18 and 1/4, तो 80/4, तो 80 divides 4 करोगे तो 4.50 आएगा, तो 18+4 इज इक्वल टू 22, तो 22.50 rupees। F नंबर का है कि he bought a God of weight 4 × 3/4 kg and 8 cost। तो क्या आएगा, 1 kg गोट की कितनी है, 8, तो 3 की कितनी होगी, 3 kg का 3×8 करना पड़ेगा, तो 3×8 इज इक्वल टू 24, एंड 1 kg का 8 था, तो क्या 1/4 पार्ट दिया है, तो 8/4, तो 8/4 करोगे तो 24+2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 26 rupees। Look at the shopping list in Kirti's hand. How much will have to pay to buy all of this? तो Kirti's shopping list as follow. इधर shopping list आपको दिया है, तो total ऐसे count करोगे तो आगे जो दिया था उसके जैसा ही है। ये आपको खुद practice में करना है, ये सारे question practice में दिया है, तो practice time में ऐसे आपको समझ के करना है, ठीक है।